गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यार ये वाला जो हफ्ता है ना स्कूल में, ये बहुत हेक्टिक होने वाला है बिकॉज वी हैव आर एनुअल फंक्शन। ये हमारा सीनियर एनुअल फंक्शन है एंड फॉर मी इट्स ऑल्सो द लास्ट एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल। तो यार इसलिए ना मैं आज छुट्टी लेके बैठ गई थी घर पे बिकॉज ना मेरी कोचिंग भी स्टार्ट हो चुकी है एंड उसका भी थोड़ा बैकलॉग है मेरा। थोड़ा नहीं यार, एक्चुअली यार मेरी बहुत गंदी बीटी हो गई, यू विल नो अबाउट इट इन लेटर दिस वीडियो। तो यार बेसिकली आज मैंने छुट्टी ली थी फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो बेसिकली आई स्टार्टेड ऑफ विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। मैंने ना ये ऑलरेडी पढ़ लिया है बट यार मेरी प्रॉब्लम ही यही है कि मैं भूल जाती हूँ। अगर एक हफ्ते पहले भी कुछ पढ़ा हुआ एंड आई डोंट रिवाइज इट, आई लिटरली फॉरगेट ऑल ऑफ इट। एंड आज मेरे को अपना सिल्वर प्ले बटन अपने रूम में भी लगवाना था, तो उसके लिए आई कॉल्ड दिस अर्बन कंपनी का एक्सपर्ट। और ना उसके बाद मैंने भैया को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे को कैसे चाहिए अपने पूरे रूम का लुक विद द पेंटिंग्स एंड द सिल्वर प्ले बटन ऑन द वॉल। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से लगा दिया और ये जो बीच में मैंने एक पेंटिंग हटवा दी थी उसको साइड में लगवा दिया एंड दिस वॉल वॉज लुकिंग रियली कलरफुल। तो यार बेसिकली हुआ क्या था ना, VMC मैंने ज्वाइन करा विद्या मंदिर क्लासेस एंड मैंने उनको पहले ही बता दिया था दैट आई वॉन्ट द वीकडे बैच, मेरे को वीकडे वाली क्लासेस चाहिए ताकि मेरे को वीकेंड पे 6-6 घंटे इधर कोचिंग में ना जाना पड़े एंड मेरे स्कूल के भी एग्जाम्स होंगे तो उनकी भी प्रिपरेशन मैं कर सकूँ साइड बाय साइड वीकेंड पर। बट दे पुट मी इन द वीकेंड बैच एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट उन लोगों ने इन्फॉर्म भी नहीं करा दैट आई एम इन द वीकेंड बैच। और वो स्टार्ट हो गया था ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले, तो अब मेरी 6 क्लासेस का बैकलॉग है टोटल एंड आई एम लिटरली सो एंग्री एट देम फॉर दिस यार। बिकॉज मैंने अभी सोचा था कि 12th में नो बैकलॉग और इनकी वजह से लाइक मेरी 6 क्लासेस मिस हो गई, शुरू में ही इतना सारा बैकलॉग हो गया। एंड उसके बाद व्हेन आई टॉक टू देम दे गिव अस ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सक्यूजेस, बट फिर मम्मा ने बोला कि अब मैंने ब्रांच चेंज करने का भी कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज ऑल द क्लासेस हैव स्टार्टेड इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ अदर कोचिंग्स एज वेल एंड उधर का फिर अलग से बैकलॉग कवर करना पड़ेगा एंड आई फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो यार जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई डिड जॉइन विद्या मंदिर एंड उसके बाद ना मैंने अभी क्लासेस अटेंड करी थोड़ी सी, तो समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज मैंने इनिशियल क्लासेस मिस कर दी थी, इसलिए आई टुक ऑफ टूडे। तो यार आज ना मैंने बेसिकली आई स्पेंट माई डे लाइक दिस ओनली, मैंने अपना सारा बैकलॉग वगैरह कवर करा एंड दिस वॉज अ प्रिटी प्रोडक्टिव डे। एंड उसके अगले दिन ना आई वेंट टू स्कूल, आई केम बैक और आज हमें एनुअल डे की जो हमारी कॉस्ट्यूम है वो मिल गई थी घर के लिए, थोड़ी सी फिटिंग करानी थी। मतलब यार इसकी इतनी गंदी फिटिंग है, इट्स लिटरली टेरेबल। तो मैं इसकी फिटिंग वगैरह कराने के लिए दे के आई एंड यार इतने सारे चेंजेस बताए ना मैंने बिकॉज इसकी फिटिंग इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, इवन द फैब्रिक इज़ रियली बैड। ऑलराइट गाइस, तो अभी जिम चलते हैं। तो अभी ना कुछ 8:40 टाइम हो रहा है और 10 बजे जिम बंद हो जाता है, तो आई ओनली हैव अराउंड एन आवर। एंड उसके बाद मैंने आके थोड़ी और पढ़ाई करी थी क्योंकि आज कोचिंग नहीं थी और फिर शाम को आई डिसाइडेड टू गो टू द जिम, क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि लाइक स्कूल से आके मैं पढ़ाई भी कर ली थी मैंने एंड दिस वाज अ क्वाइट प्रोडक्टिव डे, सो आई थॉट ऑफ गोइंग टू द जिम। तो सबसे पहले तो आई स्टार्टेड ऑफ विद स्ट्रेचिंग। तो यार मैं ना जितना भी ट्राई कर लूँ टू बी कंसिस्टेंट, मतलब मेरे से पढ़ाई, यूट्यूब और जिम तीनों चीज़ें ना साथ में मैनेज हो ही नहीं पाती, या फिर अगर पढ़ाई और यूट्यूब होता है तो फिर मेरा जिम जाता है, या फिर कोई दो चीज़ों के साथ साथ ना एक चीज़ छूट ही जाती है। बट दीज डेज आई एम ट्राइंग टू बी अ बिट मोर कंसिस्टेंट टू द जिम। लाइक आज भी मैं 1-2 हफ्ते बाद गई होंगी बिकॉज यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और जिस दिन टाइम होता भी है आई एम आइदर टू एग्जॉस्टेड या फिर मेरे को कुछ पढ़ाई करनी होती है, और जब जिम जाती हूँ ना तो फिर लाइक अगर मैं थक जाती हूँ तो फिर मैं आके पढ़ नहीं पाती। मतलब यार इट्स नॉट जस्ट वन प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद आई वेंट देयर, आई डिड अ रियली गुड लेग वर्कआउट एंड आई एंडेड डेट विद अ 30-मिनट वॉक ऑन द ट्रेडमिल। आज का वर्कआउट लाइक लिटरली काफ़ी अच्छा हुआ यार, अगर ऐसा वर्कआउट लाइक रोज़ हो जाए ना आई वुड बी लिटरली सो हैप्पी। बट चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं घर। और फिर ना घर जाते ही मम्मा ने मेरे को थोड़ा सामान लेने भेज दिया था, तो मैं आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड, मैं सामान लाई घर पर एंड यार उसके बाद ना आई ऑल्सो हैड टू ट्राई माई एनुअल डे की आउटफिट, बट उसको थोड़ा सा टाइम था क्योंकि अभी वो हुआ नहीं था कम्प्लीटली टेलर के पास से, तो फिर अभी मैं उसको बाद में लेके आई थी। तो वापस I started studying physics only because yeah, मतलब मेरे को ना legit काफ़ी डर लग रहा है physics, chemistry और maths में से। physics for me is the most stressful। और कल जैसे कि अभी हमारे अगले 1-2 दिन तो पूरे ही स्कूल में जाने वाले हैं बिकॉज एनुअल डे के 1 दिन पहले ना हमारा स्टे बैक होता है स्कूल में टू डू द रिहर्सल अच्छे से एंड टू प्रैक्टिस। तो फिर अगले दिन तो हमारा वही था, और उसके बाद आई कंप्लीटेड माई वर्क फॉर द डे एंड फिर मैंने ट्राई करके देखी अपनी एनुअल कॉस्ट्यूम। भाई इसकी फिटिंग इज़ लिटरली सो बैड,
बट भाई अब मैंने जितनी फिटिंग करा सकती थी मैंने करा ली है, तो चलो कोई बात नहीं यार, एक दिन की बात है, आई जस्ट गेट ओवर विद इट टुमारो. एंड द नेक्स्ट डे आई ऑल्सो वेंट टू स्कूल और इस दिन मेरी कोचिंग भी थी. तो फिर घर आके आई क्विकली मेड अ लिस्ट, क्योंकि अगले दिन था हमारा एनुअल डे और आई डिड नॉट वॉन्ट टू फॉरगेट एनी थिंग एट होम, क्योंकि लाइक जूड़ा पेंस, हमें कॉस्ट्यूम, कैशुअल्स, बहुत सारी कपड़े और चीज़ें लेके जानी होती हैं और लाइक पूरा एक दिन का इवेंट होता है राइट फ्रॉम 9 AM टू 8 PM हम स्कूल में ही रहते हैं. तो आई पुट ऑन अ फेस मास्क आफ्टर दैट एंड वेंट टू बेड. So I'll just do my hair और थोड़ा सा मेकअप भी करके जाना है, तो वो भी करते हैं. I'll dry my hair first of all. सो टुडे इज़ द डे, आज है हमारा एनुअल फंक्शन, माई लास्ट एवर एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल एंड आई एम लिटरली सो सो एक्साइटेड. तो आई स्टार्टेड ऑफ बाई अप्लाइंग माई बेसिक स्किन केयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्लाइड सम मॉइस्चराइजिंग टोनर और वाटर जेल जो कि मैं रोज़ ही लगाती हूँ, और उसके बाद आई ऑल्सो अप्लाइड सम सनस्क्रीन. बहुत धूप होती है आजकल, तो अपने हाथों पर लगाई. उसके बाद आई ऑल्सो पुट ऑन सम सनस्क्रीन ऑन माई फेस. ऑल राइट गाइज, तो वी हैड टू ब्रिंग मेकअप टू द स्कूल फॉर द एनुअल डे, बट मेरे पास था नहीं, तो आई बॉट दिस लिपस्टिक एंड दिस फाउंडेशन. तो आई हैवंट ट्राइड दिस हेयर. मैंने लुक लाइक सो प्रिटी दिस इज. एंड इसके अलावा आई ऑल्सो हैड दिस लैक्मे का फाउंडेशन. तो यार अभी तो ना आई एम लाइक रनिंग वेरी वेरी लेट, तो आई डोंट थिंक सो मेरे को अभी टाइम मिलेगा इसको लगाने का, बट स्कूल में जाके मेकअप करना ही है तो फिर मैं उधर ही कर लूँगी अपना फाइनल लेयर. एंड यार मैंने ना इतना सारा मेकअप खरीदा था, आई वॉज लिटरली सो एक्साइटेड टू पुट इट. आई डिसाइडेड कि मैं अपना मेकअप खुद ही कर लूँगी स्कूल में जाके अलॉन्ग विद अ फ्यू ऑफ माई अदर क्लासमेट्स हु वर इन द सेम इवेंट एज मी फॉर दी एनुअल डे. तो उसके बाद मैंने घर से तो ना बस स्किन केयर ही करा था. इवन तो हमें बोला था कि घर से थोड़ा सा मेकअप करके आना, बट मेरे को ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला था. तो फिर मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली थी और उसके अलावा कुछ नहीं लगाया था. एंड यू ना जस्ट लुक एट दिस शेड ऑफ लिपस्टिक यार, इट्स सो प्रिटी. और फिर उसके बाद आई क्रॉस्ड आउट ऑल द आइटम्स ऑन द लिस्ट दैट आई हैड मेड. सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई फेस राइट नाउ. अभी मेकअप नहीं करा है, स्कूल जाके करेंगे. एंड उसके बाद वी आर ऑल रेडी टू गो टू स्कूल, बट मैं घर पे लाइक काफ़ी लेट हो गई थी, तो ब्रेकफास्ट मैंने गाड़ी में करा था. तो आई हैड सैंडविच वाइल गोइंग टू स्कूल. एंड वंस आई रीच्ड, हम लोग ने ना एक और बार रिहर्सल करा था इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. और उसके बाद क्लास में पहुँच के वी ऑल चेंज्ड इनटू आवर कॉस्ट्यूम्स. यार मतलब ये इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी लाइक एक दिन पहले तक, बट ना इसमें द प्रॉब्लम वॉज इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो अंदर से लाइक बहुत चुभ रहा था मेरे को. और फिर उसके बाद हमने ज्वेलरी वगैरह पहन ली विच वॉज प्रिटी डिसेंट. ये पर्ल वाला नेकलेस पहना था और उसके साथ साथ हमने इयररिंग्स भी ऐसे वाले ही पहने थे. और ना मैंने मेकअप नहीं करा था बिकॉज मैंने मैम को बोल दिया था मैंने मेकअप कर लिया है और नहीं करना. और क्योंकि ना हमें मतलब यार वो जो ब्लश लगा देती है ना टीचर्स, इट लुक्स रियली रियली बैड. तो वो तो आई एस्केप दैट सम हाउ, बट ये आई शेडो बोला था हमें लगाने को ये ब्लू कलर का, जिस लुक है दिस यार ये बहुत बुरा लग रहा था. बट उसके बाद वी ऑल गॉट रेडी एंड वी डिसाइडेड टू लीव. हमारे टाइम हो गया था जाने का टू द वेन्यू जहाँ पे था हमारा एनुअल डे, टू द ऑडिटोरियम. तो हम वहाँ पे गए बाय द स्कूल बस. और फिर उसके बाद हमारी बारी आने वाली थी बिकॉज वी वर होस्टिंग द इवेंट मी अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर्स ऑफ माई क्लासमेट्स. तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सारा रिहर्सल करा एक और बार. एंड उसके बाद वी वेंट ऑन द स्टेज. ये बैक स्टेज है, बस कर्टन ओपन होने ही वाला था एंड ऑल द प्रिपरेशंस वर बीइंग मेड. तो इधर थोड़ा सा टाइम और था, तो आई तो अभी कुछ 15 मिनट्स में हमारा इवेंट स्टार्ट होने वाला है. ये कर्टन्स ओपन हो जाएंगे और कुछ नए डायलॉग्स ऐड हुए हैं, तो मैं बस उन्हीं को मेमोराइज कर रही हूँ. तो हमने इवेंट वगैरह होस्ट करा, उसके बाद हमारी डांस परफॉर्मेंस थी एक, इट ऑल स्टार्टेड. एंड उसके बाद वी ऑल हैड लंच टुगेदर. हम लोगों ने लंच करा क्योंकि उसके बाद ना मेरे को काउंसिल ड्यूटी पे भी जाना था. लाइक माय पार्ट इन द एनुअल डे वाज ऑलमोस्ट डन. मेरे को बीच में एक दो बार और जाना था टू इन्वाइट द चीफ गेस्ट ऑन द स्टेज और द चेयरपर्सन ऑन द स्टेज. तो वो सब करा. एंड उसके बाद आई वेंट टू द ऑडिटोरियम जब मेरा पार्ट पूरा कम्प्लीट हो गया टू डू द काउंसिल ड्यूटी. एंड यार
फिर मैंने थोड़ी परफॉर्मेंसेज भी देखी. लाइक दिस वॉज लिटरली माई फर्स्ट टाइम जब मैं सारी परफॉर्मेंसेज देख रही थी, बिकॉज प्रैक्टिस के वक्त तो हम सब लोग अपने वेन्यूज में ही रहते थे जो कि विच वर अलॉटेड टू पर्टिकुलर इवेंट्स. एंड आई रियली लाइक दिस. एंड यार इट द थॉट दैट दिस इज माई लास्ट एवर एनुअल डे इन स्कूल ऑल्सो हिट मी. बट यार आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम एबल टू रिकॉर्ड दिस and put it up on my YouTube diary. Yes, that's what I call it, my YouTube diary, so that I can just always watch it whenever I want. फिर उसके बाद हमारी चेयरपर्सन ने स्पीच दी एंड वी वर डन विद द इवेंट. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. आई होप यू ऑल लाइक दिस व्लॉग.